हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय वीलॉग चैनल। गुड मॉर्निंग मेरी अभी हुई है, 3:30 बज चुके हैं, क्योंकि यार सुबह सोया था 10 बजे, तो अभी आँख खुली है। अभी मैं जाऊंगा यार थोड़ी कटिंग वगैरह करवाने, थोड़ी शेव वगैरह करवाने। ये देखो कैसे अजीब से बाल हो गए हैं। ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद जाता हूँ कटिंग कराने। उसके बाद देखते हैं कि आज आगे क्या करना है। सोच रहा हूँ आज जिम चले जाऊँ, एक बार जिम में जाके मेंबरशिप ले लूँ, तो देखते हैं क्या होता है। बाय। अभी अपना इंस्टा आ गया। ओए इंस्टा, देखो पता नहीं क्या करता रहता पूरा दिन, ऐसे यहाँ बता रहता है। हेलो, मैं मारूंगा अगर तूने मुझे काटा तो। मैं बहुत मारूंगा रे इंस्टा तुझे, समझा? क्या हुआ बेटा, सैड क्यों है? क्या हुआ, क्या हुआ इंस्टा, तू सैड क्यों है? गाइस पता नहीं इसको क्या हुआ, ये सैड बैठा है। ये इंस्टू, ये कौन है? ये वाव 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 वाव। इंस्टू ये कौन है? इंस्टू ये बता, इधर आ, यहाँ बैठ जा। ये कौन है? भागो 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 भागो। और ये इंस्टाग्राम यहाँ पे अपने दुश्मन के साथ लड़ाई करते हुए, और ये दुश्मन, अरे दुश्मन यहाँ है इंस्टा। मेरे पास आ गया बेटा, आजा आजा। इसको पता है इसके साथ खेलना है। और यहाँ पे मेरा प्यारा सा पपी चुराते हुए मैं क्या करूँ, मेरे पास ही रहता है तो कोई नहीं, मैं इसको खिला लूंगा। आजा बेटा तू आजा, चलो अटैक। सिर्फ 23 वर्ष उम्र, आधा मिनट बाकी है अभी पहले पीरियड में। रवि कुमार ने यहाँ पे घुमा के जिस तरह से चित किया है, 2 पॉइंट ले लिए, और ये 2 पॉइंट मिलेंगे इंस्टाग्राम को टेक डाउन करते हुए। के पास अब अवसर है, इस अवसर को कैश करवाएं, घुमा दें, जमीन चटा दें और आसमान की छत दिखा दें। रवि ने अंदर शुरू किया और हो गई कुश्ती, हो गई, मजे आ गए, गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता है भाई। छोरे कहाँ चला, ए कहाँ चला इंस्टा? इंस्टा इधर आ बेटा, इधर आ जा प्यार से, देख 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 देख, वो मेरे को काट रहा है तू इंस्टा, कम कम भाई, बहुत शरारती हो गया ये। अरे वो हार गया, उसको और मारेगा क्या? अब हार गया वो, उसने हार मान ली, और मारेगा उसको। गाइस अभी भी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, ऐसा मन कर रहा है सोता रहूं। लेकिन नहीं, अभी वो भी ना आ रहा है, थोड़ी देर में मैं भी पहुंच ही गया। अभी इसका फ़ोन आया था, नीचे ही है, तो उसके बाद मैं जाऊंगा यार सलून पे, बोला था शेव वगैरह करवाने और बाल कटवाने, कब बोला था और अभी तक गया नहीं हूँ। अभी थोड़ी देर में जाऊँगा, बिना आ जाएगा ना उसके साथ जाऊँगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, अकेले तो बोर हो जाता हूँ। आप लोगों को भी लगता होगा ना अकेले जाने में बोरिंग, कोई ढूंढते हो आप भी साथ लेके जाऊं किसी को, तो भी ना आ जाएगा उसको साथ लेके जाऊंगा। और ये देखिए मरीज है, गाइस आई एम मरीज। सो गाइस ये विनय आ गया है, क्या क्या लाया भाई मेरे लिए गिफ्ट में? ओ माय गॉड, ये क्या है? कैनन का प्रिंटर, प्रिंटर?
लेजर कहाँ गया? कहाँ गया? प्रोफेशनल लेजर क्वालिटी मल्टी फंक्शन प्रिंटर। अरे व्लॉग बनेगा पहले, हाथ तो खाली बाद में होएगा। क्या है भाई ये, इसमें पिज्जा है क्या है? ओ यस, सिब्बू के लिए क्या लाया? दूध, चाय पियेंगे, चाय चाय पीनी है फ्रेंड्स। सिब्बू तेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, आज शारीरिक है, कभी मानसिक तबीयत तो तेरी हमेशा ही खराब रहती है। क्यों भाई, गलत बोला? मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई। हैं? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो डरता है सिब्बू से, डरता है सिब्बू से। आजा मिलवाता हूँ इंस्टा से, आजा आजा देवरा। ऐसे ही सोता है ये मुंह फंसा के। अच्छा ना, वैसे मैं तेरा बहुत देर से वेट कर रहा था। क्यों? मेरे को बाल कटवाने जाने हैं। तो बाल मैं थोड़ी काटूंगा। अरे तो बाल कटवाने जाऊंगा अकेला यार, बोर नहीं हो जाऊंगा इतनी देर, क्या करूंगा मैं भाई? जो अकेला आ रहा हूँ तो भाई बोल, चल बाल कटवाने चलते हैं। चल भाई चल, मैं ही काट दूंगा। चल मैं सही बताऊँ, मैं 3-4 बजे से उठा हुआ हूँ, तब से वेट कर रहा था कि मैं जाने वाला था, फिर तेरा फोन आया कि तू आ रहा है, फिर मैं वेट करता हूँ, उसके साथ ही जाऊँगा। भाई मैं काट देता हूँ, बैठ जा चल, पैसे बच जाएंगे तेरे। चल अरे भाई बाल कटवाने हैं, गंजी नहीं करनी टैट। चल फिर। सो गाइज, सुबह सोची थी, मतलब दोपहर को सोचा था कि उठ के जाऊँगा शेव करवाने, बाल कटवाने, लेकिन वो टाइम आया अभी रात के अंधेरे में। कितना टाइम हो रहा है? 9:30 बजे। देखते हैं भाई कोई सैलून वगैरह खुला है या नहीं, हम दिख भी नहीं रहे, इतना अंधेरा हो गया, बिल्कुल काले हो रहे हैं। अब जाके थोड़ा बहुत दिखाई दिया है। चलो यार चलते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं। वैसे मैं थोड़ा सा आलसी हो चुका हूँ यार, बहुत यार, एक्चुअली आलसी की बात नहीं है, थक इतना जाता हूँ, पूरा दिन सोता रहता हूँ। सो गाइस, ये मार्केट हम यहाँ आए हैं, क्या नाम है इस मार्केट का? MKM मार्केट। तो भाई यहाँ पे कोई सैलून होगा, देखते हैं, उसमें जाके थोड़ी सी शेविंग और कटिंग करा लेंगे। वैसे मेरे ख्याल से ना मोस्ट ऑफ दी दुकानें बंद हो गई भाई, टाइम भी तो काफ़ी हो गया है भाई। वो सैलून बंद हो गया, ये सैलून बंद हो गया, अबे यार अब क्या करें। जो तू बता रहा था 24/7 के पास है जो, वो खुली है? देख के देखते हैं, चल आ जा। यार ये तो यार गाइज हमारा साथ धोखा हो गया। सारी दुकानें बंद होगी इस मार्केट की भाई, आखिरी उम्मीद अब वही अभी ना, वो 24/7 पे अगर मिल जाए तो कोई। चलो वहीं चल। तो गाइज अभी हम आए हैं, ये अपना हांगकांग बाजार इस साइड है, और इस साइड ये मार्केट है 24/7 वाली, तो यहाँ देखते हैं कोई सैलून मिलेगा या नहीं। कौन सा है भाई? अच्छा ये हेड टू टो वाला, इस पे चलते हैं। बाकी तो यार देख सब बंद है, ये तेरी बदौलत है भाई, तू थोड़ा जल्दी आता ना मेरा काम हो जाता। ठीक है अगली बारी जल्दी आऊँगा। तो भाई पूरी मार्केट बंद हो चुकी है, बस ये एक खुला है हेड टू टो भाई, ये मेरे को लेडीज लग रहा है। अरे तू पत्थर मेकअप ब्यूटी और वो लिखा उस पे, तो पूछ तो ले चल के, पता लगा बाल कटवाने गया था यहाँ पे, लिपस्टिक लगा के भेज दी। इस वाली मार्केट में तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। बढ़िया है, पर पूरी क्लोज हो चुकी है इस टाइम। चल चल के पता करते हैं। बंद हो गया, कट है। मैं तू आ गया था 8:30 बजे, मैंने तेरे को आती बोली थी चल ले, नहीं सोऊंगा चाय पीऊंगा, अब कल कटवा लियो चल। यार तू क्या है यार, किसी आसपास के गांव में चले, वो जो पेड़ के नीचे काटते हैं। अरे एक वो है वो वहाँ पे चाय के ठेले के पास, वो मिथिलेश सैलून, मिथिलेश। चल पता कर ले, क्या पता, वो तो फ्री में काट देगा यार, क्योंकि मेरे को यार इरिटेशन हो रही है, मेरे को कटवानी है, शेव बनवानी है। चल देख ऊपर नीचे कहीं तो, गाइस देख लो, कोई कोई सैलून खुला नहीं मिला, अभी हम वेट कर रहे हैं कि कोई पेड़ वेड़ के नीचे ही काट दे तो कहीं कुछ तो मिल जाए यार। मिल जाएगा चल। सैड लाइफ।
सब बंद है रचित, सब बंद पड़ा है। सो गाइज अभी हम आए हैं इस वाले सैलून पे क्योंकि और कोई खुला नहीं मिला, तो आ जाओ। भाई वेटिंग में बिठा दिया इस सैलून वाले ने भी। चाय पीनी है तुझे? पी लूंगा, पिला दे यार। ये ना ना ठेला भैया, दो चाय। तो गाइज अभी हम वेटिंग में बैठे हैं, तो यहाँ से दो चाय लेते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। भीड़ देख रहे हो? भीड़ देखो भाई सैलून पे। सही भीड़ हो रही है यार, वे तो बंद हो गया, इस पे भीड़ है भाई। ऐसा लग रहा है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अगली बार। क्या नाम है इसका? मिथिलांचल, मिथिलांचल हेयर सैलून। सही है भाई, सही है, मतलब सही बिजनेस है वैसे, है ना विनय? और सो गाइज ये अपनी आ गई है चाय, इतने हमारा वेटिंग में है नंबर, हम मारते चाय की चुस्की। ले भाई विनय ये तेरी है। चीयर्स, चीयर्स गाइज, चीयर्स। चाय पी लो फ्रेंड्स। तुम्हारी किस टाइम तक खुलती है? सर जब तक आते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे। भाई बढ़िया बनाना यार। दुकान किसकी है? तेरी दुकान है? तुम्हारी दुकान है यार, ये तुम्हारा वर्कर है। कौन ये? अरे नहीं ना, ऐसे कुछ नहीं। सो गाइस जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो बहुत ज्यादा सही कर दिया काम। क्यों भाई, थैंक यू, थैंक यू। चलो अब घर चलते हैं। इंस्टू बेटा, बेटा ये देख कैसी कटिंग है मेरी, सही है? अरे देख तो ले, मैं शेव करा के आया हूँ, देख देख, सही है, सही है शेव, सही है, बता तो। अरे बता दे, अरे बता दे, अरे बता दे। सोच रहा है, जीव निकाल रहा है। बढ़िया है पापा। सोच रहा है, सोच रहा है। जीभ निकाल रखी। इंस्टा, इंस्टा प्यारा इंस्टा। गाइस इंस्टाग्राम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। चलो बेटा तुम खेल लो, जाओ। ओ सो चलो गाइस, शेविंग वगैरह तो हो गई है, बहुत सही काट दी, जैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो बहुत ठीक कट दी, मतलब अच्छी कर रखी है। तो चलो मैं नहा के आता हूँ। ओके गाइस बाय। सो गाइज मैं नहा के आ गया हूँ और काफी अच्छी बियर्ड सेट करी है इसने, एक्सपेक्टेड नहीं था बट हाँ बहुत अच्छी कर दी। और अभी बज रहे हैं 12 बज चुके हैं गाइज, 12 मतलब अगला दिन लग चुका है और अब जाके मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे दिन की शुरुआत हुई है। रात के 12 बजे पूरे दिन आलस में पड़ा रहा क्योंकि मैं यार सोया नहीं था ना रात को इसीलिए। तो बाकी चलो इस व्लॉग को भी यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग लेके आऊंगा फटाफट से। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और अगर आप चाहते हो कि डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर दो। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर।